हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है संडे, इज इक्वल्स टू फन डे। बट आज मैं फन करने जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड के साथ। कॉलेज से आफ्टर सो लॉन्ग मैं अपने किसी दोस्त से मिल रही हूँ, तो अभी हम जाएंगे एंड देखते हैं वो मुझे आज क्या फन कराएगा। एंड तो मैंने अपनी ड्रेस कुछ ऐसी पहनी है एंड आप पीछे देख ही सकते हो, मैं जो सामान लेके आई थी वो अब तक यहीं पड़ा है आलस के मारे। एंड 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 तो गाइस मैं देखती हूँ। एंड पहले मैं जाऊंगी उसके फ्लैट, और जैसे मैंने देखा है कि वीडियोस वगैरह में लड़के बड़े गंदे रहते हैं, तो आज मुझे देखने को मिल जाएगा कि लड़के एक्चुअली में गंदे रहते हैं या नहीं रहते हैं। एंड अगर हो सके तो मैं ट्राई करूंगी कि उसके रूम का एक व्लॉग भी दूँ आपको। एंड देखते हैं वो मुझे कहाँ लेके जाएगा। एंड चलो, अब बॉयफ्रेंड तो है नहीं, चलो कॉलेज का एक दोस्त है उससे मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है लाइफ में तो ठीक है, अदरवाइज बोरिंग लाइफ। सो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ उसके फ्लैट अपने कॉलेज वाले फ्रेंड के यहाँ। लेट्स सी उसका फ्लैट कैसा है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, स्वाइप करती हूँ कैमरा। फाइनली गाइस, मैं आ गई हूँ उसके फ्लैट और अभी आपको दिखाती हूँ। गाइस कितने गंदे तरीके से रहते हैं लड़के, देखो एक बेड है यहीं पे नीचे, सोफे का बेड, कपड़े पड़े हैं। छी यार, कपड़े कैसे, जैसे 10 दिनों से धोए ना हो। गाइस कपड़े देखो गाइस कैसे टांग रखे हैं, 10 दिनों से सोए ना हो, और बेड जैसे जन्मों से साफ ना हो, वहीं पे सारा सामान पड़ा है। सोफा बेड में कन्वर्ट कर लिया है, ये देखो फ्रिज के ऊपर कितनी धूल है। एटलीस्ट चलो किचन तो साफ है। यू यार, मैं तो भाग रही हूँ, पता नहीं कहाँ लेके जाने वाला है। गाइस कितने कंजूस हो गए, गन्ने का जूस पिला रहे हैं वो भी सड़क पे मुझे, ओ गॉड। और इस गन्ने के जूस में ना बर्फ भी नहीं है, अंकल ने कहा कि इसमें बर्फ भी नहीं होगी, और उसे बना दो अंकल, मुझे तो लग रहा है पता नहीं कहाँ लेके जाना है, लेके जाने वाला है खिलाने के लिए भी। खैर मैं पी लेती हूँ गन्ने का जूस, सुबह से भूखी हूँ। तो गाइस ये मुझे बोल रहा था कुछ स्पेशल पराठे खिलाएगा चंडीगढ़ में फेमस, तो ये है बदलू पराठे वाले सेक्टर 9 में। नाम कितना फनी है ना गाइस, और मुझे ऐसे हो रहा था देख के कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ भी थी यहाँ पर और हमें इतना टाइम लगा, हमारा एक पराठा मिलने में हमें कम से कम 40 मिनट खड़ा रहना पड़ा, और भैया को कॉन्टिनेशन में कहना पड़ा भैया दे दो भैया दे दो। और देख इस 10 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद ये मिल रहा है, अब हम खाएंगे ये साथ में लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी, मक्खी भी बैठ रही है। देखो गाइस मक्खी, इस मैं खा के देखती हूँ कैसा है। भीड़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, आधे घंटे में ऑर्डर आया है, बट लेट्स ट्राई। गाइज ये पराठे देख रहे हो, पनीर प्याज का पराठा था, इसमें पनीर ना इतना ही सा था, मतलब इतनी फीलिंग है ही नहीं यार, तो तुम पता नहीं लोग क्या खा रहे हैं यार। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, कम से कम ये कौए बेचारे खाना चाह रहे हैं, मैंने इनको मस्त खिलाया, इन्हें खिला के मुझे भी मज़ा आया यार, और मैं इनको खिलाती रही। मैंने कहा चलो कम से कम इन बेचारों का तो पेट भरेगा ना, मेरा भरा नहीं भरा। मैंने एक पराठा लिया था उसमें से मैंने हाफ ही बड़ी मुश्किल से खाया, ऐसे चुक चुक के कि बस ठीक है अभी पेट भरना है। I can't tell you my experience. मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी घर पहुंचने के बाद। देखो पहले तो एक मच्छर, दो मच्छर, तीन मच्छर, कैसे मच्छर काट दिया मुझे गाइस, और यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, इस लड़के ने मेरे साथ इतना अत्याचार करा, मतलब यहाँ खिलाने लेके आए। चलो बहुत भीड़ थी, मुझे लगा कुछ अच्छा होगा, बट कुछ नहीं यार, ऐसे इतने गंदे तरीके से अनलिमिटेड ऑयल के साथ बना रहे हैं ना, और फीलिंग कुछ नहीं है फीलिंग यार। मत आना खाने, बेशक ये कौन सा ढाबा है, ये क्या बदलू के नाम से है ये, बट आपको सबके रिव्यू अच्छे मिलेंगे, मेरे रिव्यू बिल्कुल अच्छे नहीं मिलेंगे, मेरी तरफ से अच्छी कमी ना हो, मैं बस नमकीन लस्सी अच्छी थी अदरवाइज। फाइनली गर्मी में कहीं तो अच्छी जगह लेके आया है, एलांटे मॉल। गाइस गाइस ये बंदा मुझे एलांटे लेके आ गया, चलो फाइनली एलांटे तो लेके आया, लेट सी यहाँ पे क्या एक्साइटिंग होता है, क्या मज़ेदार होता है, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बट ठीक है लेट्स इन्जॉय एंड लेट सी समथिंग हैपनिंग। यहाँ पे ना एक 3D करके डिजिटल एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा चलो उसमें चलते हैं, पर 1600 रुपये पर पर्सन थे, तो उसकी ना फट गई, उसने कहा नेक्स्ट टाइम चलेंगे। वैसे तो अपने आप को बड़ा अमीर अमीर शो करता है,
इसने मुझे वैसे तो कॉलेज में हमारे ये किले हैं, हमारे वो किले हैं, हम ये करते हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। अरे अपने पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा, आज इसका कोई पैसा नहीं निकल रहा। इतने टाइम बाद मैं मिली हूँ और कुछ नहीं, मैंने इसको खिलाया है अब तक। गाइज ये मत सोचना कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, अभी तक मैंने ही खर्चा करा है। बट लेट्स सी अभी ये कहाँ लेके जाता है। मैं सोच रही हूँ उससे वुडलैंड पे चलते हैं, 50% ऑफ है, लेट्स सी ये कुछ दिलाता है। चलो गाइज वुडलैंड पे तो आ गया है, चलो देखते हैं मेरे लिए भी कुछ देगा क्या, अपनी दोस्त के लिए भी कुछ खरीदेगा क्या। वैसे कलेक्शन तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा आया हुआ था, फिर मैंने सोचा कि चल अगर ये मुझे कुछ दिलवाएगा तो मैं भी इसको कुछ दिलवा दूँगी। तो मैंने इसके लिए एक शूज़ भी सिलेक्ट करे, ये वाले। मैं सोच रही हूँ इसको ये वाले शूज़ दिलवा दूँ, अगर अगर ये मुझे ये वाले शूज़ दिलवाएगा तभी। फिर गाइस मैं लड़की हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता न्यू मी ना जाऊँ या नए नए जगह ना जाऊँ, हाँ लड़कियों के कलेक्शन ना देखूँ। तो मैंने सोचा क्या पता इस लड़के को थोड़ी सी शर्म आ जाए, कॉलेज में तो बड़ा बोलता था कि मैं तुझे लाइन मारता हूँ। आफ्टर कॉलेज मुझे ऐसा सुनने को आया था कि इसको मेरे पे थोड़ा सा क्रश था, तो मुझे लगा शायद चलो देखते हैं इसको मुझ पे क्रश था तो कुछ दिला दे। मैंने इसको हिंट भी दी अलग अलग ड्रेसेस वगैरह पकड़ के, पर बंदे ने कुछ पैसा नहीं निकाला। फिर ये सैमसंग के शोरूम पर आया, इसको कोई फ़ोन देखना था, तो मैंने सोचा मैंने फ़ोन उठा उठा के दिखाया इसको, देख ये वाला फ़ोन, ये वाला फ़ोन, ये वाला फ़ोन, के कभी अभी तो जेब खाली करें है ना, ऐसे क्रश पे लोग पैसा उड़ाते हैं। मैंने सोचा मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। मैंने इशारा करा टीवी के लिए भी, पर बंदा जो समझे ना लाए कहीं का, मैं कोई क्रश नहीं हूँ इसकी, डिसअपॉइंटेड। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ उसके फ्लैट पे वापस। एंड एलांटे जाने के बाद उसने बहुत घुमाया, मुझे लगा कुछ दिलाएगा, ऐसा बोलते हैं ना लड़के लड़कियों को शॉपिंग कराते हैं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइज आज, ऐसा सो सैड। फालतू में बोलते हैं लड़कियों को गोल्ड डिगर है, ये है, तुम्हारे पास गोल्ड है, तुम्हारे में से कहाँ से डिग करेंगे हम, फालतू की बकवास करते हो। फिर वो वहाँ से एलांटे से यार घुमा घुमा के फालतू में इरिटेट किया उसने, और फिर हम गए चाट खिलाने, चाट खिलाई उसने चाट, मैंने शूट भी नहीं करी, मुझे गुस्सा आ गया था कि क्या फालतू में चाट खाऊं सुबह शाम, सस्ती चीज़ें खिलाता है ये सस्ते लड़के। तो मैं आज आपको फाइनली मिलवा देती हूँ अपने दोस्त से, जो भी है ये बेवकूफ सा फालतू में, रिवील कर दूँ गाइस, कर दूँ, मना कर रहा है क्योंकि फिर फालतू में फुटेज मिल जाएगी ना, लोग इसको सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे, पॉपुलेशन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी इसकी। चलो कोई नहीं, मैं मिलवा देती हूँ इसको गाइस। इसने तो मुंह छुपा लिया है गाइस अपना, ये रहा वो लड़का। जस्ट जोकिंग गाइस, लेट मी शो। तो गाइस फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, धड़कने तेज हो रही है ना लड़को, चलो देख लो फाइनली। ये रहा हमारा क्यूट पांडा जिसके साथ आज हम गए थे। तो गाइस कोई लड़का मिले जिसे मैं अपना दोस्त बनाऊं, मेरे अरमान दिल के अधूरे, अब सिंगल से मिंगल होने के। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, यू वांट टू, हम बहुत थके हुए हैं, हाँ ये थक गई है, आज हम सुबह से घूम रहे हैं, हमारी हालत से ही पता चल रहा होगा। सो गाइस अभी मैं अपने फ्लैट जाके आपसे बात करती हूँ, बाई।